जयदेवी कंपटीशन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे कई महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसमें प्रमुख क्रांतियां, महापुरुषों के समाधि स्थल, प्रमुख वैज्ञानिक, प्रमुख मिशन और मानव शरीर पर 100 प्रश्न। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। ताओं के नाम, ठीक है, तो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि हिंदी में हमारे हैं। तो चलो, पहला हमारा है श्वेत क्रांति। तो श्वेत क्रांति को ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। भारत में इसे 1970 के दौरान एक अभियान के रूप में चलाया गया था। और फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन जी हैं, ठीक है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन जी हैं। और ये हमारा दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, ठीक है। तो इसे हम मैच कर लेंगे कि दूध उत्पादन से ये संबंधित हो जाएगा। अगला हमारा है हरित क्रांति। हरित क्रांति में, तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत सन 1966 से 67 के बीच में हुई। हरित क्रांति प्रारंभ करने का श्रेय नोबल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर नॉर्मन वोरलॉन्ग को जाता है। और दूसरा हमारा पॉइंट हो जाएगा कि भारत में एम एस स्वामीनाथन को इसका जनक माना जाता है, ठीक है। और हरित क्रांति जो है ये किससे संबंधित है, तो हरित क्रांति हमारी खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। किससे? खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है, ठीक है। इसमें हम अपने खाद्यान्नों के बारे में जानते हैं। अगली हमारी है नीली क्रांति। तो नीली क्रांति, इस क्रांति का उद्देश्य भारी मात्रा में मछलियों के उत्पादन को बढ़ाना और उसे बाजार में बेचकर मुनाफा कमाना है। भारत में नीली क्रांति का जनक अरुण कृष्णन को माना जाता है। किसको माना जाता है? अरुण कृष्णन को। तो ये मत्स्य उत्पादन से संबंधित हैं। अगली हमारी है भूरी क्रांति। तो भारत में खाद्य प्रसंस्करण एवं शीतलन पेयों के उत्पादन का विकास के लिए भूरी क्रांति का संबंध हमारा किससे है? तो ये उर्वरक उत्पादन से है। किससे है? उर्वरक उत्पादन से। इससे हम उर्वरक क्या उत्पादन करते हैं, तो उसे उसमें रखते हैं, ठीक है। अगला हमारा है रजत क्रांति। रजत क्रांति, तो इसमें रजत क्रांति अंडे उत्पादन से संबंधित है। किससे? अंडे उत्पादन से। तो इसमें सिर्फ इतना ही पूछते हैं कि रजत क्रांति किससे संबंधित है, तो अंडा उत्पादन से, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट आ जाएगा, नेक्स्ट है पीली क्रांति। तो पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है। इसके उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के उद्देश्य से यह योजना प्रारंभ की गई। तिलहन उत्पादन कार्यक्रम में 23 राज्यों के 337 जिले शामिल हैं, ठीक है। तो तिलहन, जो पीली क्रांति है, वो किससे संबंधित है? तो तिलहन उत्पादन सरसों उत्पादन से, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट हमारा है लाल क्रांति। लाल क्रांति का उत्पादन तो हमारा टमाटर और मांस उत्पादन से संबंधित है, क्योंकि टमाटर और मांस दोनों लाल होते हैं। तो इसलिए टमाटर और मांस ये है, मतलब भूरे लाल क्रांति के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट हमारा है, अब नेक्स्ट पे हम चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है गुलाबी क्रांति। भारत विश्व का सबसे बड़ा झींगा मछली उत्पादक देश बन गया है, ठीक है। तो गुलाबी क्रांति जो है वो झींगा उत्पादन से संबंधित है, ठीक है। और जो भारत है ये सबसे ज़्यादा झींगा उत्पादन में सबसे अग्रणी है, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट है बादामी क्रांति हमारी है मसाला उत्पादन से, जो मतलब हमारे व्यंजन होते हैं पकाने के लिए, ठीक है, तो उसमें मसाला बगड़ा पड़ता है। तो इस ये मसाला से संबंधित हमारा भूरी क्रांति मसाले उत्पादन से संबंधित हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा है सुनहरी क्रांति। इसका संबंध बागवानी उत्पादन में वृद्धि से है, जिसमें फल विशेषकर सेब उत्पादन से है। इसे शहद उत्पादन में भी जोड़ा जाता है। किसमें? शहद उत्पादन में भी जोड़ा जाता है, और ये विशेषकर फल उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट है अमृत क्रांति। अमृत क्रांति ये हमारी नदी जोड़ो परियोजनाओं से संबंधित है, ठीक है, नदी जोड़ो परियोजनाओं से संबंधित है। अगली है हमारी स्लेटी क्रांति। स्लेटी क्रांति ये हमारी सीमेंट उत्पादन से संबंधित है, क्योंकि सीमेंट जो होता है वो स्लेटी रंग का होता है, इसीलिए इसे स्लेटी क्रांति के अंतर्गत रखते हैं, ठीक है। अब हमारा अगला है गोल क्रांति। अगला कौन सा हमारा हो जाएगा? अगला हमारा हो जाएगा गोल क्रांति। गोल क्रांति का संबंध हमारा है आलू उत्पादन से। किससे? आलू उत्पादन से। हमारा गोल क्रांति का संबंध आलू उत्पादन से है। इसके अंतर्गत
हम आलू का उत्पादन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कृष्ण क्रांति। कृष्ण क्रांति, तो कृष्ण क्रांति के अंतर्गत हमारा ये है बायोडीजल से उत्पादन संबंधित, इसके अंतर्गत हम बायोडीजल का उत्पादन करते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा है इंद्रधनुषी क्रांति। इंद्रधनुषी क्रांति इसके अंतर्गत हम सभी क्रांतियों पर निगरानी के लिए ये संबंधित है कि समस्त क्रांतियों पर ये निगरानी के लिए संबंधित है। ठीक है, तो ये हमारी महत्वपूर्ण कुछ क्रांतियाँ थीं, तो आप लोग ने देखा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो के माध्यम से देखेंगे कि महापुरुषों की समाधि स्थल को याद करने की ट्रिकें, तो इससे के माध्यम से हम ये सीखेंगे कि महापुरुष की समाधि स्थल कहाँ पे हैं और किसकी कौन सी समाधि स्थल कहाँ है। ओके, तो आप लोग हमारे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को इसकी सलाह दें कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। ओके, तो चलते हैं। हमारा पहला है, तो पहला हमारा हो जाएगा राजघाट। राजघाट हमारा पहला समाधि स्थल हो जाएगा, तो इसके बारे में हम देखते हैं कि हम इसका ट्रिक कैसे बनाएंगे। तो हम इसका ट्रिक बनाने के लिए इसमें हम देखते हैं कि हमारा ट्रिक इसमें क्या बन सकता है। तो पहले इसमें हम अपने कुछ वर्डों को देखते हैं। तो हमारे इसमें मेन वर्ड कौन से हैं, तो देखते हैं उनको, मेन वर्डों को। तो मेन वर्ड इसमें हमारा हो जाएगा राज। कौन सा वर्ड हो जाएगा? राज। तो राज, तो हम पे किसने राज किया था, तो देख लेते हैं। हम पे बहुत सालों तक, मतलब 100 या 150 सालों तक किसने राज किया, हम पे अंग्रेजों ने राज किया, और राज की किसने छुड़ाया, तो महात्मा गांधी ने राज छुड़ाया। तो राजघाट किससे संबंधित हो गया? महात्मा गांधी से संबंधित हो गया राजघाट। राजघाट किसकी समाधि स्थल है? महात्मा गांधी का। नेक्स्ट हमारा है शांतिवन। शांतिवन, तो शांतिवन के बारे में देख लेते हैं। तो शांति, जैसे कोई हम पे चिल्लाता है या गुस्सा होता है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें शांत रहना पड़ेगा, और उसको शांत करने के लिए हमें ज्वार की रोटी खिलानी पड़ेगी। क्या खिलानी पड़ेगी? ज्वार की रोटी खिलानी पड़ेगी। तो इससे हमें क्या पता चलता है, तो ज्वार की रोटी से हमारा क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू। तो शांतिवन जो है समाधि स्थल, वो किसका हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू जी का हो जाएगा शांतिवन समाधि स्थल जो है, ये किसके नाम से हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू के नाम से। ओके, नेक्स्ट हमारा है विजय घाट। ओके, क्या हो जाएगा? विजय घाट। तो विजय घाट में हमारा पकड़ते हैं अपना वर्ड विजय। विजय, तो आपको जब विजय चाहिए, तो किसी पे आप जब विजय करेंगे, तो कैसे करेंगे? जैसे कोई आपके सामने जानवर खड़ा होता है और आप उसके डटकर उसका मुकाबला करते हैं, तो आपको क्या मिलती है? विजय मिलती है। तो इससे हमारा क्या रिलेटेड हो जाएगा? तो हम किसी जैसे जानवर के सामने खड़े होंगे और डटकर उसका मुकाबला करेंगे, तो हमारा उससे क्या हो जाएगा? तो हम क्या कहलाएंगे? बहादुर। क्या? बहादुरी से हम उसकी क्या करेंगे? मुकाबला उसका करेंगे, तो हम क्या कहलाएंगे? बहादुर। तो हमारा विजय घाट क्या हो जाएगा? लाल बहादुर का समाधि स्थल, लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है शांति स्थल, वो शक्ति स्थल। तो शक्ति स्थल, इसमें हम कौन सा वर्ड पकड़ेंगे? शक्ति। तो शक्ति, जैसे हमने नारा सुना होगा, नारी शक्ति जिंदाबाद। नारा यह अपने लोगों ने सबने सुना होगा, नारी शक्ति जिंदाबाद। तो इसके बारे में हम देखते हैं। तो नारी शक्ति किसके बारे में है? ये हमारा इंदिरा गांधी जो हमारी थी, उनके बारे में है नारी शक्ति। ये हम अपनी ट्रिक बनाते हैं इंदिरा गांधी के बारे में। तो नारी शक्ति जो समाधि स्थल हो जाएगा, वो किसके नाम पर हो जाएगा? इंदिरा गांधी के नाम पर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा है किसान घाट। तो किसान घाट, किसान हमारे देवता होते हैं अन्न उगाने के। तो जहाँ भी आपको किसान दिखे, क्या करना चाहिए? उनके चरण स्पर्श करने चाहिए। क्या करना चाहिए? चरण स्पर्श करने चाहिए। जहाँ पे आपको किसान दिखे, उसके चरण छूना चाहिए। क्या करना चाहिए? चरण छूना चाहिए। तो इससे क्या हो जाएगा? चौधरी चरण सिंह। तो हमारी ट्रिक क्या बन जाएगी? किसान घाट स्वयं चौधरी चरण सिंह की समाधि स्थल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चौधरी चरण सिंह का समाधि स्थल हो जाएगा। तो हमने इससे क्या सीखा? कि किसान जहाँ भी दिखे, उसके चरण छूना है। तो इससे हमारी ट्रिक बन जाएगी, तो उसके किसान घाट के हमारे कौन हो जाएंगे? चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह की समाधि स्थल किसान घाट है। नेक्स्ट हमारा है एकता स्थल। तो हम इसमें से कौन सा वर्ड पकड़ेंगे? एकता। एकता इसमें हम वर्ड पकड़ेंगे, तो एकता, एकता हमें कहाँ दिखती है? तो एकता हमें अपने दिखती नहीं है, तो एकता हमें दिखती है जेल में। कहाँ दिखती है एकता? हमें हमेशा दिखती है जेल में। जेल में जो कैदी होते हैं, उनमें हमेशा एकता होती है। क्या होती है? एकता होती है। तो हमें जेल में लोगों में एकता दिखती है। क्या दिखती है?
जेल के लोगों में हमें एकता दिखती है। तो इससे हमारी ट्रिक क्या हो जाएगी, ज्ञानी जेल सिंह। ओके, क्या हो जाएगी, ज्ञानी जेल सिंह, एकता स्थल ज्ञानी जेल सिंह से संबंधित हो जाएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट हमारा है नारायण घाट। नारायण घाट, तो इसमें हम कौन सा पकड़ते हैं, नारायण। तो नारायण हमारे भगवान कौन है, भगवान विष्णु। भगवान विष्णु का नाम एक है नारायण, तो उन्हें हम नारायण कहते हैं। तो इससे हमारा ट्रिक क्या बन जाएगा, नारायण। तो नारायण के हमने हाथ में क्या देखा है, कमल, कमल, और एक हाथ में होता है चक्र, तो ये हमारा गुलाब हो गया। ओके, गुलाब, गुलाब का फूल है, तो उसमें हम देख लेते हैं गुलाब। तो हमारी ट्रिक क्या बन जाएगी, गुलाब, तो गुलाब कैसा होता है, गुल, तो गुलजारी लाल नंदा। गुलाब जो होता है वह होता है लाल, इसीलिए हमारा ट्रिक बन जाएगा गुलजारी लाल नंदा। तो नारायण घाट से संबंधित कौन हो जाएगा, गुलजारी लाल नंदा जी हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट हमारा है अभय घाट। अभय, तो इसमें हम ट्रिक कौन से पकड़ेंगे, इसमें कौन से वर्ड पकड़ेंगे, अभय, इसमें हमें भय। तो भय हमें क्या देखना है, जैसे कोई बच्चा होता है और बच्चा जब अचानक किसी चीज़ को देख लेता है तो उसे भय हो जाता है, वो डर जाता है, क्या होता है, डर जाता है। तो बच्चे के सामने एकदम क्या आता है, मोर आ जाता है, तो बच्चा डर जाता है, क्या हो जाता है, बच्चा, बच्चा डर जाता है। तो इससे हमारी ट्रिक क्या बन जाएगी, तो आप लोग देखें, इससे हमारी ट्रिक क्या बन जाएगी, बच्चा डर जाएगा, तो बच्चे को क्या हो जाएगा, भय हो जाएगा। तो मोर, मोर से मोरारी, मोरारजी देसाई, क्या हो जाएगा, मोरारजी देसाई हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा है चैत्रा भूमि। तो चैत्रा भूमि, तो इसमें हम, हमारी ट्रिक क्या है, तो इसमें हम चैत्रा भूमि मतलब चैत्र, तो इसमें हम देखते हैं किसी, जैसे हमारे आराध्य देव होते हैं, जैसे हम माता की आराध्या करते हैं, कहते हैं हे माता, हम डर जाते हैं ना कि हे माता हम, हमें पास करवा देना। ओके, तो ऐसे करके कहते हैं, अपने घर में फ़ोटो लगाते हैं, और जैसे किसी चीज़ में है कहते हैं हे माता इसमें हमें पास करवा देना। तो ये कौन सी है, अम्बे माता। तो कौन बच्चे करता पूजा है, हम करते हैं ना, तो बच्चे कौन करते हैं, हम लोग सब पूजा करते हैं, कहते हैं हे माता हमें पास करा देना। तो हमारी ट्रिक में कौन सी हो जाएगी, अम्बे, तो अम्बे हमारी ट्रिक हो जाएगी। तो इससे क्या हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर हमारे क्या हो जाएंगे, भीमराव अंबेडकर हो जाएंगे, समता स्थल से हो जाएंगे। ठीक है, चैत्रा भूमि से हो जाएंगे समता। अब नेक्स्ट हमारा है समता स्थल। तो समता को हम कन्वर्ट कर लेते हैं क्षमता में, क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं क्षमता में। तो क्षमता को हम अपना ट्रिक बनाते हैं। ओके, तो क्षमता हमारा क्या हो जाएगा, समता। तो समता स्थल, समता स्थल में हम ट्रिक हमने बनाया है क्षमता। तो क्षमता को हम ले लेते हैं, जैसे हमारे अंदर क्षमता कोई होगी तो हम कोई भी अपना नया काम कर सकते हैं। तो जैसे हमारे जैसे जीवन में हमें बहुत ही बहुत सी क्षमताएं हमें देखनी पड़ती हैं, जैसे कि इतने पेपर होते हैं हम पास नहीं हो पाते हैं, पास हम करते हैं, ठीक है, तो बहुत ही क्षमता हमें अचीव करनी पड़ती है। तो उससे क्या होता है, क्षमता, क्षमता हमें अपने जीवन में उभार लाना पड़ता है क्षमता के लिए। तो उससे क्या हो जाएगा, जगजीवन राम, तो हमारा हो जाएगा जगजीवन राम। तो समता स्थल से जगजीवन राम हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है महाप्रयाण। महाप्रयाण, तो महाप्रयाण से हम क्या ट्रिक बनाएंगे, तो देख लेते हैं। महाप्रयाण से हमारा ट्रिक हो जाएगा महापुराण। तो महापुराण, महापुराण आप लोग जानते नहीं क्या होता है, तो महापुराण जिसे शिव पुराण, शिव पुराण आप लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा होगा, तो शिव पुराण हमारा हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं महाप्राण, तो महाप्राण हो जाएगा। तो शिव पुराण जब देखते हैं तो उसमें हमें क्या मिलता है, प्रसाद, प्रसाद मिलता है ना, तो उससे हमारी ट्रिक बन जाएगी। जब हम महा, जब शिव पुराण देखेंगे तो हमें प्रसाद मिलेगा, तो उससे हमारी ट्रिक बन जाती है राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो क्या बनाते हैं, राजेंद्र प्रसाद। अच्छा, अब देख लेते हैं, जैसे हमारे सामने जब कभी ऑप्शन आते हैं तो ऑप्शन के माध्यम से हम बहुत ही जल्दी देख सकते हैं, जैसे हमारे सामने ऑप्शन आ जाए और आप इससे देख सकते हैं कि हमें तुरंत ही उसमें जान लेते हैं कि इसमें हमारा कौन सा सही हो जाएगा। तो उस हिसाब से हम देख लेते हैं, चलो हम इसमें देखते हैं कि हमारा इसमें कौन सा ही हो जाएगा। तो इसमें हमारा क्वेश्चन है, किसान घाट समाधि स्थल निम्न में से किसका है, किसका है। तो उसमें गुलजारी नंदा का तो है ही नहीं, जवाहरलाल नेहरू, तो जवाहरलाल नेहरू का भी नहीं है। ओके, क्या है, जवाहरलाल नेहरू का भी नहीं है किसान घाट। तो हमने क्या ट्रिक क्या देखी थी, कि किसान जहाँ भी आपको दिखे उसके झुक के चरण सुन लेना चाहिए। तो चरण किस में हो जाएगा, चौधरी चरण सिंह में, किस में हो जाएगा, तो हमारे तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा सही, चौधरी चरण सिंह। ओके भाई, हमने यही ट्रिक हमने देखी थी कि जहाँ भी किसान हमें दिखे उसके हमें झुक के चरण छूने चाहिए, तो हमारी ट्रिक वही सही हो जाएगी, चौधरी चरण सिंह। ओके, तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। उनकी खोज और वो कहाँ के रहने वाले हैं उसके बारे में हम पूरा जानेंगे। तो आप लोगों से बस हमारी एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, और हमारा बेल आइकन भी दबा दें, जिससे आप लोगों को
हमारी नोटिफिकेशन समय समय पर उपलब्ध होती रहेंगी। तो हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो हमारे आज का है प्रमुख वैज्ञानिक। तो हम पहले हमारे हैं तो हेनरी बेकुरल के बारे में हम देखते हैं। ये फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। इनकी खोज है गामा किरण एंड रेडियो एक्टिविटी। इनकी खोज क्या है? गामा किरण और रेडियो एक्टिविटी पर इन्होंने खोज की थी। ओके, क्या खोज की थी? गामा किरण और रेडियो एक्टिविटी। ये कहाँ के रहने वाले थे? ये फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। ओके, नेक्स्ट हमारा है नील बोहर। दूसरे हमारे कौन से हैं? नील बोहर हैं। ये कहाँ के रहने वाले थे? तो ये डेनमार्क के वैज्ञानिक थे। ओके, इन्होंने खोज कौन सी की थी? तो देख लेते हैं। इसने परमाणु की संरचना का मॉडल प्रतिपादित किया। इन्होंने जो है ये परमाणु की संरचना का मॉडल प्रतिपादित किया था। ओके, कौन सा प्रमाणित किया था? परमाणु की संरचना का मॉडल इन्होंने प्रतिपादित किया था। एवं इन्हें नोबल पुरस्कार 1922 ईस्वी में मिला था। क्या है? 1922 ईस्वी में इन्हें नोबल पुरस्कार मिला था। किसको? नील बोहर जी को। ओके, ये कहाँ के थे? डेनमार्क के रहने वाले थे। परमाणु संरचना मॉडल का इन्होंने प्रतिपादन किया और इन्हें नोबल पुरस्कार 1922 में मिला। ओके, इतनी हमने जानकारी उसमें सीखी है। फिर नेक्स्ट हमारा है हेनरी कैवेंडिश। ये हमारे ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। कहाँ के थे? ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। इन्होंने हाइड्रोजन तत्व की खोज की थी। किसकी खोज की थी? हाइड्रोजन तत्व की खोज की थी। ओके, क्या की थी? हाइड्रोजन तत्व की खोज की थी। तो हमने देख लिया हेनरी कैवेंडिश को। ये ब्रिटिश के वैज्ञानिक थे जिन्होंने हाइड्रोजन तत्व की खोज की थी। ओके, किसी खोज की थी? हाइड्रोजन तत्व की खोज की थी। देख लेते हैं एक बार हम फिर से। हेनरी कैवेंडिश ब्रिटिश वैज्ञानिक थे जिन्होंने खोज की हाइड्रोजन तत्व की। नेक्स्ट हमारा है जेम्स चैडविक हमारे नए हैं। तो ये हैं ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। इनकी खोज थी न्यूट्रॉन पर। इन्होंने न्यूट्रॉन की खोज की थी। कहाँ के थे ये जेम्स चैडविक? तो जेम्स चैडविक वैज्ञानिक थे ब्रिटिश के। ओके, नेक्स्ट हमारा कौन सा हो जाएगा? तो नेक्स्ट हमारा है कापरनिकस। ये पोलैंड के वैज्ञानिक थे। इन्होंने सर्वप्रथम बताया, तो इन्होंने क्या सर्वप्रथम बताया था? पृथ्वी स्थिर नहीं है और ये सूर्य के चारों ओर घूमती हैं। ठीक है, ये सारी सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो किसने बताया था? कॉपरनिकस। ये कहाँ के रहने वाले थे? तो पोलैंड के वैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या बताया था? पृथ्वी स्थिर नहीं है और वे सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। ठीक है, क्या है? वो सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, वो अपना राउंड लगाती है ना, रोटेशन। ओके, क्या करती है? पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर घूमती है क्लॉकवाइज। ओके, नेक्स्ट हमारा है मैडम क्यूरी। तो मैडम क्यूरी देख लेते हैं, ये पोलैंड की वैज्ञानिक थी। फ्रांस की इनके पास नागरिकता थी। खोज इन्होंने रेडियम की खोज की थी। ओके, रेडियम की खोज इन्होंने की थी और इन्हें जो है नोबेल पुरस्कार 1903 और 1911 ईस्वी में मिला था। ओके, तो हमने क्या देखा है? मैडम क्यूरी के बारे में हमने देख लिया। ओके, इन्होंने रेडियम की खोज की थी और ये कहाँ के रहने वाली थी? तो ये पोलैंड के वैज्ञानिक थी। ओके, इनको पुरस्कार 1903 और 1911 में मिला था। तो देखते हैं नेक्स्ट हमारा है जॉन डाल्टन। कौन है? जॉन डाल्टन। तो ये ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। इन्होंने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। क्या क्या था? परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया किसने? जॉन डाल्टन। ये ब्रिटिश के वैज्ञानिक थे। नेक्स्ट हमारा है अल्बर्ट आइंस्टीन। कौन सा? अल्बर्ट आइंस्टीन है। तो ये देख लेते हैं, ये जर्मनी के वैज्ञानिक थे। अमेरिका जाकर बस गए थे। जर्मनी से ये चले गए और ये अमेरिका जाकर बस गए। इन्होंने खोज क्या की थी? तो सापेक्षिकता। ठीक है, सापेक्षिकता के सिद्धांत दिया इन्होंने। क्या दिया था? सापेक्षिकता का सिद्धांत दिया था, E=mc². ओके, क्या दिया था? E=mc², ये देख लीजिए, E=mc² इन्होंने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट इनका था प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या। इन्होंने प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या दी थी। इनका नेक्स्ट क्या था? नोबेल पुरस्कार इनको 1921 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार मिला था। ओके, 1921 ईस्वी में इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ओके, नेक्स्ट हमारा है
अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ये ब्रिटिश बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे। कौन थे ये? ब्रिटिश बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे। इनकी खोज क्या थी? पेनिसिलिन एवं लाइसोजाइम। इन्होंने पेनिसिलिन और लाइसोजाइम की खोज की थी। ये कहाँ के थे? ब्रिटिश बैक्टीरियोलॉजी थे। गैलीलियो नेक्स्ट हमारे हैं। गैलीलियो, तो गैलीलियो के बारे में देख लेते हैं। ये इटली के वैज्ञानिक थे। इन्होंने निर्माण किया गया था, तो इन्होंने टेलीस्कोप का निर्माण किया था। और इनकी दूसरी भी खोज थी, तो दूसरी देख लेते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं गैलीलियो ने हमने टेलीस्कोप गैलीलियो जो है इन्होंने टेलीस्कोप की खोज की थी। और गति के जड़त्व नियम का प्रतिपादन भी इन्होंने किया था। गैलीलियो ने क्या किया था? गति के जड़त्व नियम का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट हमारा है रदरफोर्ड। तो रदरफोर्ड ये स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक थे। इनकी खोज क्या थी? परमाणु के नाभिक की खोज। परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? तो रदरफोर्ड ने परमाणु के नाभिक की खोज की थी। आर्यभट्ट हमारा नेक्स्ट है। आर्यभट्ट तो ये प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल वैज्ञानिक थे एवं गणितज्ञ भी थे। ओके, नेक्स्ट हमारा है डॉक्टर सी वी रमन। और हैं डॉक्टर सी वी रमन, ये वैज्ञानिक थे। भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार उनको 1930 में मिला। भारत रत्न 1954 ईस्वी में इनको मिला। और लेनिन शांति पुरस्कार 1958 में इन्हें मिला। ओके, तो इन्हें बहुत ही उपाधियां मिल गई। कौन सी? तीन उपाधियां थी इनके पास, भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल और भारत रत्न और लेनिन शांति पुरस्कार। तो नोबेल कब मिला? 1930 में। भारत रत्न कब मिला? 1954। और लेनिन शांति पुरस्कार 1958 ईस्वी में इन्हें मिला। ओके, तो हमने क्या देख लिया? हमने तीन चीज़ देख ली डॉक्टर सी वी रमन के बारे में। ओके, चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट हमारा है विलियम हार्वे। विलियम हार्वे द्वारा कहे कौन सी खोज की थी? तो विलियम हार्वे द्वारा रक्त परिवहन की खोज की गई। रक्त परिवहन संचरण की इन्होंने खोज की थी। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की। फिर नेक्स्ट हमारा है जोसेफ लिस्टर। जोसेफ लिस्टर ये एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात इन्होंने किया था। इन्होंने क्या किया था? एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किया। जोसेफ प्रिस्टले इन्होंने ऑक्सीजन की खोज की। किसने? जोसेफ प्रिस्टले ने ऑक्सीजन की खोज की थी। रोटेंजन नेक्स्ट हमारा है। रोटेंजन इन्होंने एक्सरे की खोज की थी। क्या की थी? एक्सरे की खोज की थी रोटेंजन ने। रोटेंजन ने क्या है? रोटेंजन ने एक्सरे की खोज की थी। ओके, किसकी खोज की थी? एक्सरे की खोज की थी। तो हमने देख लिया, क्या देख लिया? कि जोसेफ प्रिस्टले ने ऑक्सीजन की खोज की थी और रोटेंजन ने एक्सरे की खोज की थी। धार्मिक आंदोलन के बारे में आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे। तो इसमें देखते हैं कि धार्मिक आंदोलन में क्या क्या महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं आप लोगों के। तो इसमें हम आप लोगों को ये क्वेश्चन बताएंगे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रथम आर्य समाज 1857 ईस्वी में कहाँ स्थापित किया था? ठीक है, तो इसमें एक क्वेश्चन तो हमारा ऐसे ही बन गया। ठीक है, कौन सा बन गया? तो इसमें हमारा एक क्वेश्चन ऐसे ही बन गया कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रथम आर्य समाज का की स्थापना कब की थी? तो इसमें हो गया 1875। ठीक है, 1875 में कहाँ स्थापित की थी? तो बम्बई, लाहौर, नागपुर या अहमदनगर। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा ही होगा ये आपको बताना है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बम्बई। ठीक है, दयानंद सरस्वती ने प्रथम आर्य समाज 1875 ईस्वी में कहाँ स्थापित किया था? तो ये बम्बई में स्थापित किया था। ठीक है, दयानंद सरस्वती का जो मूल नाम था वो क्या था? तो मूल नाम इनका था मूल शंकर। ठीक है, क्या नाम था इनका? जो मूल नाम था, मतलब घर का नाम, तो उसे कहते हैं मूल शंकर। तो ठीक है, मूल शंकर नाम था। ठीक है, तो आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? तो 1875 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? तो 1875 ईस्वी में हुई थी। इसका जो मुख्यालय था, ठीक है, इसका मुख्यालय था जो लाहौर वाला, तो ये 1877 में बना था। ठीक है, इसका मुख्यालय 1877 में लाहौर में बनाया गया था। ठीक है, इस और इनकी जो दयानंद सरस्वती हैं, इनकी प्रमुख पुस्तक कौन सी थी? तो इनकी प्रमुख पुस्तक थी सत्यार्थ प्रकाश। ठीक है, क्या थी? सत्यार्थ प्रकाश, ये जो पेपर में हमेशा पूछी ही जाती है। ठीक है, कौन सी थी? सत्यार्थ प्रकाश, ये इनकी एक महत्वपूर्ण पुस्तक थी। ठीक है, इन्हें भारत का मार्टिन लूथर भी कहा जाता है। ठीक है, क्या है? तो इन्हें भारत का मार्टिन लूथर भी कहा जाता है। किसको? दयानंद सरस्वती जी को। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देख लेते हैं आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो
तो आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? एनी बेसेंट, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है कौन, तो अभी हमने देखा है, दयानंद सरस्वती। ठीक है, दयानंद सरस्वती जो है ये आर्य समाज के संस्थापक थे। ठीक है, कौन थे? आर्य समाज के संस्थापक थे दयानंद सरस्वती जी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, औपनिवेशिक भारत में आर्य समाज स्थापित करने वाले निम्नलिखित में से कौन थे? ठीक है, औपनिवेशिक भारत में आर्य समाज स्थापित करने वाले निम्नलिखित में से कौन से थे? तो स्वामी दयानंद, आर जी भंडाकर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, महादेव गोविंद रानाडे। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? तो इसमें आपको बताना है, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा? तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा? ए, स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, दयानंद सरस्वती इसमें हमारा सही हो जाएगा। औपनिवेशिक भारत में आर्य समाज की स्थापना की तो किसने की? दयानंद सरस्वती जी ने की थी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो गुरु नानक देव जी ने, दयानंद सरस्वती जी ने, स्वामी विवेकानंद या राजा राम मोहन राय। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, राजा राम मोहन राय ने क्या दिया नारा? तो ये नारा इन्होंने दिया था, वेदों की ओर लौटो। ठीक है, राजा राम मोहन राय के द्वारा ये नारा दिया गया था। ठीक है, क्या दिया था? तो इनका नारा था राजा राम मोहन राय जी का। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा हो जाएगा? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो आपको बताना है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना दयानंद सरस्वती, केशव चंद्र, राजा राम मोहन राय, विवेकानंद। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की है? तो ये आपको बताना है, तो ये बताया है विवेकानंद जी ने। ठीक है, किसने की थी? विवेकानंद जी ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, तो इसकी स्थापना हुई कब थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1897। ठीक है, कब थी? 1897 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, कहाँ हुई थी ये भी बताना है। तो विवेकानंद का जो था, इन्होंने पहला मठ अपना कहाँ बनाया था? तो इनका पहला मठ वराहनगर कलकत्ता। ठीक है, कहाँ था? इनका पहला मठ था वराहनगर कोलकाता। ओके, और दूसरा मठ इनका कहाँ था? दूसरा मठ था बेलूर मठ, वे भी कलकत्ता में ही था। ठीक है, ये भी कहाँ था? तो कलकत्ता में ही था। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो ये भी बताना है, विवेकानंद, रामकृष्ण, रामजी रानाडे या केशव चंद्र सेन। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही कौन सा होगा? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर एक ही सही हो जाएगा। ठीक है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना विवेकानंद ने की थी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम कब बनाया था? 1813, 1833, 1835 या 1844? तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? तो अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक किसे कहा जाता है? तो ये बताइए आप, तो ये होता है किसे कहा जाता है? लॉर्ड मैकाले। ठीक है, लॉर्ड मैकाले को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक बोला जाता है। ठीक है, किसको? तो लॉर्ड मैकाले जी को। ठीक है, तो ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1835। ठीक है, कब हुआ था? 1835 को हुआ था, के माध्यम से बनाया गया था। ठीक है, कब बनाया गया था? तो 1835 में बनाया गया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुनियादी शिक्षा का विचार पहले किसने प्रस्तुत किया था? जवाहरलाल नेहरू, राजा राम मोहन राय, महात्मा गांधी, दयानंद सरस्वती। तो किसने किया था बुनियादी शिक्षा का विचार पहले, सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया? तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने बुनियादी शिक्षा का विचार सबसे पहले प्रस्तुत किया था। ठीक है, किसने किया था? तो महात्मा गांधी जी ने प्रस्तुत किया था। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलीगढ़ आंदोलन का संस्थापक कौन था? सर आगा खां, मौलाना अल्ताफ़ हुसैन आल हाली, मौलाना सिबली या सर सैयद अहमद खां। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन नंबर डी, अलीगढ़ आंदोलन का संस्थापक सर सैयद अहमद खां था। ठीक है, कौन था? सर सैयद अहमद खां था। ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1875। कब हुआ था? 1875 में हुआ था। ठीक है, ये एग्लो मुस्लिम स्कूल 1920 में इसे केंद्रीय
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के रूप में बनाया गया, ठीक है, या बन गया, ठीक है। ये एग्लो मुस्लिम विश्वविद्यालय, पहले इसका नाम क्या था, एग्लो मुस्लिम स्कूल, 1920 में इसे केंद्रीय अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के रूप में बनाया गया, ठीक ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलीगढ़ के मोहम्मदन एग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली, शौकत अली, सर सैयद अहमद खां। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा ही हो जाएगा? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन नंबर डी, सर सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खां ने अलीगढ़ के मोहम्मदन एग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है? दयानंद सरस्वती, श्री रामकृष्ण, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा ही हो जाएगा? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर आप बताएं, तो नए भारत में, भारत में नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है? तो ये भारतीय पुनर्जागरण का पिता भी इन्हें कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो ये राजा राम मोहन राय जी हैं, ठीक है, राजा राम मोहन राय जी हैं जिन्हें भारतीय पुनर्जागरण काल का पिता भी कहा जाता है। तो कौन है? राजा राम मोहन राय, ठीक है। इन्हें नव भारत और ब्रह्म समाज की स्थापना तो कब इन्होंने ही कब की थी? तो इन्होंने 1828 में की थी, ठीक है। किसने किया था? तो इन्होंने ही ब्रह्म समाज की स्थापना की थी 1828 में। उसका इन्होंने किसका विरोध किया था? तो इन्होंने विरोध किया था बाल विवाह, विधवा विवाह, विधवा पर्दा प्रथा और सती प्रथा का इन्होंने विरोध किया था, ठीक है। इन्हें भारत का सुकरात भी कहा जाता है। किसे? तो राजा राम मोहन राय को भारत का सुकरात भी कहा जाता है, ठीक है। राजा राम मोहन राय को भारत का सुकरात भी कहा जाता है। इन्हें नव भारत का ब्रह्म समाज की स्थापना कब की थी? तो 1828 में की थी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? आगे क्वेश्चन, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? दयानंद सरस्वती, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन नंबर कौन सा? सी, ठीक है, राजा राम मोहन राय, ठीक है। राजा राम मोहन राय जो थे, इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, ठीक है, ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा इसके संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। किसके संस्थापक? यहाँ पर होना चाहिए किसके, ठीक है, क्या होना चाहिए? यहाँ होना चाहिए किसके, ठीक है। किसके संस्थापक राजा राम मोहन राय थे? ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन, प्रार्थना समाज या आर्य समाज? तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय जी थे, ठीक है, ओके। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो ब्रह्म समाज के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय जी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, आत्मारंग पांडुरंग, दयानंद सरस्वती। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, आत्मारंग पांडुरंग, ठीक है। आत्मारंग पांडुरंग है जो ये प्रार्थना समाज के संस्थापक थे, ठीक है। किसके संस्थापक थे? तो प्रार्थना समाज के संस्थापक थे आत्मारंग पांडुरंग, ठीक है। और इसमें ही एक चलता था रामकृष्ण मिशन, ठीक है, रामकृष्ण मिशन। तो इसके संस्थापक कौन थे? विवेकानंद जी, ठीक है। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? तो ये रामकृष्ण मिशन के संस्थापक थे विवेकानंद जी, ठीक है। और ये प्रार्थना समाज के संस्थापक दो लोग थे, कौन थे? आत्मारंग पांडुरंग और गोविंद रानाडे, ठीक है, गोविंद रानाडे दो लोग थे प्रार्थना समाज के संस्थापक, ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय ने किसके विरुद्ध एक ऐतिहासिक आंदोलन का आयोजन किया था? तो जाति प्रथा, सती प्रथा, समाज में महिलाओं की अपमानजनक स्थिति, व्यर्थ के धार्मिक अनुष्ठानों का पालन। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा ही हो जाएगा? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर आप बताएं, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर आप बताएं कि कौन सा सही हो जाएगा। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर देखते हैं सबसे पहले कौन बताएगा, ओके। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या? बी, सती प्रथा, ठीक है। सती प्रथा जो था, राजा राम मोहन राय ने किसके विरुद्ध ऐतिहासिक आंदोलन किया था? तो ये सती प्रथा के विरुद्ध किया था, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, निम्नलिखित में से मिलान कीजिए। निम्नलिखित में से मिलान करना है, तो आर्य समाज के संस्थापक कौन है? ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है?
और वेद समाज के संस्थापक और प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन हो जाएंगे, तो ये आपको बताना है। तो देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है। तो आर्य समाज के संस्थापक कौन हो जाएंगे, आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती जी हो जाएंगे। ठीक है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन हो जाएंगे, तो ब्रह्म समाज के संस्थापक आपको बताना है। तो ब्रह्म समाज के संस्थापक अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, तो ब्रह्म समाज के संस्थापक हो जाएंगे राजा राम मोहन राय जी। ठीक है, वेद, अब इसमें वेद क्या है, वेद समाज के संस्थापक कौन है और प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन हो जाएंगे, तो प्रार्थना समाज के संस्थापक आपको बताना है। तो प्रार्थना समाज के संस्थापक हो जाएंगे आत्मारंग पांडुरंग। अब वेद समाज बचा तो ये यहाँ होगा ही, ठीक है, ओके, तो ये यहाँ आराम से अपने आप हो जाएगा। तो वेद समाज के संस्थापक कौन हो जाएंगे, केशव चंद्र सेन तथा के श्रीधरु नायडू। ठीक है, के श्रीधरु नायडू जो थे ये किस के हो जाएंगे, तो वेद समाज के संस्थापक हो जाएंगे। तो इसमें हमारा ऑप्शन क्या बन गया, तो इसमें हमारा ऑप्शन हो गया, क्या हो गया कि 1, 2, 3 और 4। तो एक में हमारा हो गया बी, एक में बी और दो में ए, ठीक है, दो में ए और तीन में डी और चार में सी। ठीक है, तो बी ए डी सी, ओके, बी ए डी सी। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन इसमें होगा बी ए डी सी, वो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है, बी ए डी सी। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें हमारा कौन सा हो जाएगा, उपनिवेशी भारत में कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, विलियम जोन्स, राजा रवि वर्मा, ए ओ ह्यूम, केशव चंद्र सेन। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा कौन सा, तो ये आपको बताना है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कौन सा, विलियम जोन्स। विलियम जोन्स ने उपनिवेशी भारत में कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। ठीक है, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, तो ये की थी किसने, विलियम जोन्स ने। ठीक है, विलियम जोन्स ने स्थापना कब की थी, तो ये कब की थी, 1784 में। ठीक है, 1784 में इन्होंने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी, किसने, विलियम जोन्स ने। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह आयोग कौन सा है जिसने सबसे पहले भारत में प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा पर ध्यान दिया, मैकाले आयोग, चार्ल्स आयोग, हंटर आयोग या वेंटिंग आयोग। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा ही हो जाएगा, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर आपको बताना है कि इसमें हमारा ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, ओके, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर आपको बताना है कि इसमें हमारा ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है कौन सा, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कौन सा, चार्ल्स आयोग। ठीक है, चार्ल्स आयोग जो है हमारा इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, किसने सबसे पहले प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा पर ध्यान दिया, तो इसमें प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा पर ध्यान देने वाला सबसे पहला कौन था, तो ये था इसमें चार्ल्स आयोग। ठीक है, चार्ल्स आयोग इसमें सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सर्वोदय का आशय क्या है, सर्वोदय का आशय इसमें क्या हो जाएगा, संपूर्ण क्रांति, असहयोग, सबका उत्थान या अहिंसा। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा सबका उत्थान। ठीक है, क्या हो जाएगा, सबका उत्थान इसमें हमारा सही हो जाएगा, सर्वोदय, सर्वोदय का आशय होता है सबका उत्थान या सबका साथ सबका विकास, यही होता है। ठीक, सर्वोदय, ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्य शोधक समाज के संस्थापक महाराष्ट्र में कौन थे, सत्य शोधक सभा के संस्थापक महाराष्ट्र में कौन थे, दादा साहेब, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, डॉक्टर आत्मारंग पांडुरंग, गोपाल बाबा बाला, ज्योतिबा फूले। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो सत्य शोधक समाज की स्थापना हुई कब थी, तो ये हुई थी 1873 में। ठीक है, 1873 में सत्य शोधक समाज की या सत्य शोधक सभा की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो इनकी एक पुस्तक भी है, इनकी पुस्तक कौन सी है, तो पहले इन्होंने इसका किया किसे था, किसने किया था, तो ये किया था ज्योतिबा फूले ने। ठीक है, ज्योतिबा फूले ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, किसने की थी, ज्योतिबा फूले ने इसकी स्थापना की थी। तो इनकी पत्नी का क्या नाम था, तो इनकी पत्नी का नाम था सावित्री बाई फूले। क्या था, सावित्री बाई फूले। ठीक है, सावित्री बाई फूले इनकी पत्नी का नाम था। ठीक है, और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी,
इन्होंने की एक पुस्तक लिखी थी, क्या नाम था उसका, तो उसका नाम था गुलाम गिरी। क्या था उसका एक नाम था गुलाम गिरी, ठीक है। इनकी एक पुस्तक थी गुलाम गिरी। ये कब आई थी, तो ये आई थी 1872 में, ठीक है, 1872 में इसका प्रकाशन हुआ था गुलाम गिरी का, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा हो जाएगा, औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए शारदा सदन स्कूल की स्थापना किसने की, औपनिवेशिक भारत में शारदा सदन स्कूल की स्थापना किसने की, तो ये आपको बताना है। तो औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए शारदा, ठीक है, शारदा सदन की स्थापना, सदन की स्कूल की स्थापना किसने की, तो सरोजिनी नायडू, पंडिता रमाबाई, दयानंद सरस्वती, महादेव गोविंद रानाडे। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, पंडिता कौन सा है, पंडिता रमाबाई ने इसकी स्थापना की थी, ठीक है। तो कहाँ की थी, तो ये की थी मुंबई में, ठीक है, कहाँ की थी, ये की थी मुंबई में। मुंबई में कब की थी, तो मुंबई में की थी 1889, ठीक है, 1889 में पंडिता रमाबाई ने शारदा सदन स्कूल की स्थापना की थी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे ये समाप्त होते हैं, चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, मनुष्य का हृदय कितनी बार धड़कता है, मनुष्य का हृदय जो है वो कितनी बार धड़कता है, ये आपको बताना है। तो बच्चे में कितनी बार धड़कता है और वयस्क में कितनी बार धड़कता है, ये आप दोनों बताएंगे। तो बच्चे में धड़कता है कितनी बार, तो बच्चे में धड़कता है ये 140 बार, ठीक है, 140 बार पर मिनट में ये धड़कता है बच्चे में, और वयस्क मनुष्य में ये 72 बार धड़कता है, ठीक है, 72 बार प्रति मिनट धड़कता है, ओके। मानव खोपड़ी में हड्डियां पाई जाती हैं, तो मानव खोपड़ी में हड्डियां कितनी पाई जाती हैं, ये आपको बताना है, ठीक है, कितनी पाई जाती हैं, तो जल्दी से आप बताएं कि कितनी हड्डियां पाई जाएंगी। तो ये 8 हड्डियां पाई जाती हैं मानव खोपड़ी के अंदर, ठीक है, कितनी पाई, 8 पाई जाती हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, स्वस्थ मनुष्य की श्वसन गति कितनी 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 होती है, कितनी होती है एक मिनट में, ठीक है, स्वस्थ मनुष्य की श्वसन गति कितनी होती है एक मिनट में, तो 16 से 18 बार होती है, ठीक है, कितनी होती है, 16 से 18 बार होती है, ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है, मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है, तो ये आपको बताना है। देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है इसमें, तो जल्दी करें आप लोग इसका जवाब दें। तो सबसे पहले देखते हैं कौन बताएगा, तो मनुष्य के हृदय का जो मस्तिष्क का भाग है, भार है, वो 1350 सीसी होता है, ठीक है, कहीं कहीं पर आपको 1400 भी मिलेगा, ठीक है, तो आप घबराएं नहीं, वहाँ 1400 लगा दें, जहाँ पर 1350 होता है वहाँ पे आप 1350 ही लगाएंगे, ओके ओके। और इसमें EEG, ठीक है, ये बहुत बार पूछा जाता है, तो ये मस्तिष्क के ही अंदर पाया जाता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, मस्तिष्क का जो सबसे बड़ा भाग है वो कौन सा है, ये आपको बताना है। तो देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या कहलाता है, प्रमस्तिष्क, ठीक है, प्रमस्तिष्क जो है ये सबसे बड़ा भाग कहलाता है, उसे सेरेब्रम भी बोलते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ब्रक किडनी का वजन कितना होता है, किडनी का वजन कितना होता है, ये आपको बताना है। तो देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है, या इसका सही जवाब सबसे पहले कौन देता है, ओके। तो देखते हैं, तो चलते हैं देख लेते हैं, इसका हो जाएगा 150 ग्राम, ठीक है, 150 ग्राम ब्रक या किडनी का वजन होता है, ओके, ठीक है, देख लिया हमने। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, तो ये फीमर होती है जांघ की हड्डी, ठीक है, ओके, फीमर होती है जांघ की हड्डी, ये शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है, ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है, तो मनुष्य शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी होती है वो कौन सी होती है, ये आपको देखते हैं। तो ये स्टेपीज होती है कान की, ठीक है, कान में कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं, तो 3 हड्डियाँ पाई जाती हैं, क्या क्या नाम है, स्टेपीज इनकस और क्या होता है आप बताएं, तो ठीक है, तो इसमें 3 हड्डियाँ पाई जाती हैं, एक कान में 3 और एक कान में 3, तो टोटल 6 हड्डियाँ पाई जाती हैं, ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में सबसे मजबूत हड्डी है तो कौन सी है, ये आपको बताने हैं। तो ये है जबड़े की हड्डी, कौन सी है, जबड़े की हड्डी है, ये शरीर में सबसे मजबूत हड्डी होती है, कौन सी, जबड़े की हड्डी, ठीक है, ये हाल में नहीं टूटती है, ओके, ये इतनी मजबूत होती है कि आप एक बार
इसके बल गिर भी जाएं तब भी आप इसको नहीं हिला सकते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की सबसे कठोर तत्व कौन सा होता है? तो ये होता है एनामिल, ठीक है, एनामिल होता है। एनामिल में कौन सा एंजाइम पाया जाता है या कौन सी गैस पाई जाती है, आपको ये बताना है, ठीक है। एनामिल में कौन सी गैस पाई जाती है, किसके कारण एनामिल सख्त हो जाता है इतना, ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे, ठीक है, नहीं तो इसका जवाब मैं दूंगा, ओके, कमेंट बॉक्स में। सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? तो ये होता है 120/80, ठीक है, 120/80 mm, ठीक है। 80 से नीचे हो जाएगा तो लो प्रेशर हो जाएगा, 120 से ऊपर हो जाएगा तो ये हाई प्रेशर हो जाएगा, ठीक है, तो कहते हैं ब्लड प्रेशर हाई हो गया, ओके। मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी पाई जाती है? तो यह है 60-80%, ठीक है। मानव शरीर में 65-80% जो होता है वो क्या पाया जाता है? जल पाया जाता है, ओके, क्या पाया जाता है? जल पाया जाता है, ये जो है, ठीक है। और ये जो वायुमंडल में 71% जल है, 29%, ठीक है, ऑक्सीजन, ओके, चलते हैं 21%। तो चलते हैं, रक्त की मात्रा शरीर के भार में भार का होती है, जो रक्त की मात्रा होती है वो शरीर के भार का कितना होती है? तो ये 7% होती है, ठीक है। कितना? ये 100 किलो का आदमी होता है, उसके शरीर में कितना खून होगा? तो ये 7 किलो होगा, ठीक है, 7 kg उसके शरीर में खून होगा, ठीक है। जैसे सभी 100 किलो के होते नहीं हैं, तो शरीर के भार के अनुसार ही हर मनुष्य के अंदर ब्लड होता है, ओके, ठीक है, हमने ये जान लिया। मनुष्य में रक्त की मात्रा पाई जाती है, मनुष्य में रक्त की मात्रा पाई जाती है, तो आप बताएं कितनी पाई जाती है? तो मनुष्य में रक्त की मात्रा कितनी पाई जाती है? 5 से 6 लीटर, ओके, एक स्वस्थ मनुष्य में 5 से 6 लीटर की मात्रा पाई जाती है, ओके। मानव रक्त क्षारीय ब्लड एक्लाई का पीएच मान कितना होता है, ठीक है, तो पीएच मान कितना होता है, तो आप बताएं इसको कि मानव शरीर का जो है पीएच मान कितना होता है, ठीक है, 7 से ऊपर होगा तो, और 7 से नीचे होगा तो क्षारीय होगा, क्या, तो क्षारीय नहीं, ये हो जाएगा अम्लीय, ठीक है, 7 से नीचे होगा तो, 7 से ऊपर होता है तो उसे क्या बोलते हैं, क्षारीय बोलते हैं, ठीक है। एचपी का मतलब क्या होता है, पीएच का मतलब क्या होता है, तो ये पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, रक्त को शुद्ध करता है वह है, तो रक्त को कौन शुद्ध करता है, वह कौन सा है, तो किडनी है, ठीक है, किडनी जो है वो रक्त को शुद्ध करती है, ओके ओके, ठीक है, नेफ्रॉन के बाद हम कल देखेंगे, ठीक है। तो हाँ, लाल रक्त कण का निर्माण होता है, या रेड ब्लड सेल्स का निर्माण कहाँ होता है, यह आपको बताना है। तो रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं, इनका निर्माण कहाँ होता है, तो आप बताएं, जल्दी देखते हैं, सबसे पहले कौन जवाब देता है, तो रेड ब्लड सेल्स का जो है ये इनका निर्माण होता है अस्थि मज्जा में, ठीक है, कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है। लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है, लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है, तो आप बताएं, तो देखते हैं सबसे पहले कौन जाता है, RBC, रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, तो इन्हें ल्यूकोसाइट भी कहते हैं, ठीक है, तो इनका जीवन काल जो होता है 120 दिन होता है, ठीक है, कितना होता है, तो लाल रक्त कण का जो जीवन काल होता है वो 120 दिन होता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत रक्त कण का जीवन काल कितना होता है, व्हाइट ब्लड सेल्स का जीवन काल कितना होता है, लाइफ साइकिल कितने दिन की होती है इनकी, ठीक है, तो आप बताएं, देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है, ठीक है, तो ये बता दिया हमने ऊपर है, तो 1 से 4 दिन, ठीक है, ओके, 1 से 4 दिन या 2 से 4 दिन मिल सकता है आपको ऑप्शन के अंदर, ठीक है। श्वेत रक्त कण को कहा जाता है, तो इनको और किस नाम से जाना जाता है, तो ये हम पूछ रहे हैं इसमें, ठीक है, इस प्रश्न के माध्यम से मैं ये पूछ रहा हूँ कि श्वेत रक्त कण को और किस नाम से जाना जाता है, तो ये आपको बताना है, श्वेत रक्त कण को और किस नाम से जाना जाता है, तो ये ल्यूकोसाइड के नाम से जाना जाता है, ठीक है, श्वेत रक्त कण को और किस नाम से जाना जाता है, तो ये ल्यूकोसाइड के नाम से जाना जाता है, ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, लाल रक्त कण को क्या कहा जाता है, तो आपको बताना है, देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है, तो लाल रक्त कण को और किस नाम से जाना जाता है, तो ये एरिथ्रोसाइट के नाम से जाना जाता है, किसको, तो ये एरिथ्रोसाइट के नाम से जाना जाता है लाल रक्त कणों को, ठीक है। शरीर का ताप नियंत्रक कौन होता है, ये आपको बताना है, तो शरीर का ताप नियंत्रक होता है कौन सा होता है, तो ये होता है हाइपोथैलेमस ग्रंथि, ठीक है, हाइपोथैलेमस ग्रंथि जो होती है ये शरीर का ताप नियंत्रण करती है, ओके। मनुष्य की सर्वदाता समूह कौन सा है,
क्या होता है, यूनिवर्सल डोनर, ठीक है, यूनिवर्सल डोनर। तो हम इसको पकड़ सकते हैं डोनर, ठीक है, ओनर, डोनर, ओनर, ठीक है। तो इसमें किसकी आवाज आ रही है, ओ की आवाज आ रही है, ठीक है। डोनर में किसकी आवाज आ रही है, तो इसमें डबल ओ आ रहा है ना, तो ओनर, ओ की आवाज आ रही है ना, तो ये हो जाएगा हमारा सर्वदाता ओ, ठीक है, सर्वदाता हमारा ओ हो जाएगा, ओके, ठीक है। तो हमने देख लिया मनुष्य में सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है, तो ये ओ है। मनुष्य की सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है, तो मनुष्य में सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो और ये भी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि मनुष्य में रक्त समूह कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, कितने प्रकार के रक्त समूह होते हैं, आपको भेजना है। तो इसमें हमारा जगह ए भी, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्तचाप मापने के यंत्र को कहते हैं, या रक्तचाप मापने के यंत्र को किस नाम से जानते हैं, तो आप बताएं। तो रक्तचाप मापने वाले यंत्र को कहते हैं स्फिग्नोमैग्नोमीटर, ठीक है, स्फिग्नोमैग्नोमीटर, ठीक है। ब्लड बैंक कहलाता है, तो ब्लड बैंक क्या कहलाता है, तो ब्लड बैंक स्प्लीन कहलाता है, क्यों है, ब्लड बैंक के नाम से किसे जाना जाता है, तो हम देख लेते हैं, स्प्लीन मतलब पीहा, प्लीहा, ठीक है, प्लीहा को ब्लड बैंक के नाम से जाना जाता है, ओके, किसको जाना जाता है, तो यह है प्लीहा, प्लीहा को ब्लड बैंक के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन का पाचन प्रारंभ होता है, तो भोजन का पाचन कहाँ प्रारंभ होता है, तो ये हमने आपको कई बार बताया है, ये होता है मुख से, ठीक है, मुख में टाइलिन एंजाइम जब भोजन में मिल जाता है तो वहाँ से ही इसका प्रक्रिया चालू हो जाती है, ठीक है, पचने की, ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है, तो पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है, ये आपको जवाब देना है। तो पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होगा, ये आप बताएं, तो ये छोटी आंत में होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, ठीक है, कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, उसकी परतों पर, ठीक है, इसके जो एंजाइम्स होते हैं चिपक के चपक जाते हैं, ठीक है, कि कहाँ पे, तो ये छोटी आंत में होता है, जो इसकी लेयर्स होती हैं या परत होती हैं, परतों में जो एंजाइम होता है वो चपक जाते हैं, ठीक है। पित्त स्रावित होता है, या बाइल कहाँ से स्रावित होता है, आपको बताना है, बाइल कहाँ से स्रावित होता है, तो ये यकृत द्वारा स्रावित होता है, ठीक है, ओके। पित्त कहाँ से स्रावित होता है, तो ये यकृत से स्रावित होता है, पित्त, ओके, ठीक है। कहाँ स्रावित होता है, तो हमने देख लिया है कि पित्त जो है ये यकृत द्वारा स्रावित होता है, ठीक है, या यकृत से स्रावित होता है। विटामिन ए संचित होता है, तो विटामिन ए जो है ये कहाँ संचित होता है, ये आपको बताना है, तो ये होता है यकृत में, विटामिन ए जो है ये यकृत में संचित होता है, ठीक है, कहाँ होता है, तो ये यकृत में संचित होता है विटामिन ए, तो विटामिन ए का आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में नाम बताएं, ठीक है, क्या है, तो विटामिन ए का कमेंट बॉक्स में आपको नाम बताना है। ये किस काम में आता है, तो मैं काम इसका बता देता हूँ, रतौंधी है, ठीक है, क्या है, तो ये रतौंधी में काम आता है, तो आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है, विटामिन ए का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत, मतलब लीवर, ओके, इसे लीवर ज़्यादातर बच्चे लीवर ही बोलते हैं, ठीक है, यकृत इसका हिंदी नाम है, ठीक है, तो इसे यकृत बोलते हैं। सबसे छोटी ग्रंथि, स्मॉल ग्लैंड्स, मास्टर ग्रंथि कौन सी है, तो सबसे छोटी मास्टर ग्रंथि कौन सी है, आपको बताना है। तो देखते हैं सबसे पहले कौन जवाब देता है, तो ये हमारा इसमें कौन सा हो जाएगा, पिट्यूटरी ग्रंथि, ठीक है, पिट्यूटरी ग्रंथि जो होती है इसे सबसे छोटी मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। मनुष्य में पसलियों की संख्या कितनी होती है, ये आपको बताना है। तो मनुष्य में कितनी जोड़ी पसलियाँ होती हैं, तो ये आपको बताना है। तो देखते हैं, तो ये होती हैं 12 जोड़ी, ठीक है, 12 होती हैं, तो टोटल कितनी हो गई, 24, ठीक है, 12 जोड़ी होती हैं, ठीक है, कितनी होती हैं, 12 जोड़ी होती हैं, टोटल इनकी संख्या कितनी होती है, 24, ओके, 12 जोड़ी, ठीक है, समझ कर रहना थोड़ा हिसाब से, ठीक है, टोटल 24, ओके, ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है, तो ये होती है 206, और मतलब, ठीक है, और बच्चे में 300 का कुछ समथिंग ऊपर, ठीक है। शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी होती है, ये आपको बताना है, तो ये होती है 639, ठीक है, 639 होती है मांसपेशियों की संख्या पूर्ण शरीर में, ठीक है, ओके, पूरे शरीर में 639 मांसपेशियों की संख्या होती है, ठीक है, हमने देख लिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा होता है, तो हमने कुछ देर पहले आपको बताया था आप लोगों को, तो देखते हैं सबसे पहले कौन जवाब देता है, तो ये हो जाएगा, ये भोजन को पचाने में भी सहायक होता है, तो इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं,
जल्दी बताएं, जल्दी बताएं, जल्दी बताएं। देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा होता है। देखते हैं तो ये होता है टाइलिन। ठीक है, टाइलिन एंजाइम होता है, ये भोजन को पचाने में कारगर होता है। ठीक है, लिंग निर्धारण कहाँ से होता है, लिंग का निर्धारण कहाँ से होता है, ये आपको जवाब देना है। तो लिंग का निर्धारण जो होता है वो कौन करता है, तो इसमें पिता करता है या माता करती है, तो आपको ये बताना है जो लिंग का निर्धारण होता है वो कहाँ से होता है। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले कौन जवाब देता है। सॉरी, लिंग निर्धारण कहाँ से होता है, तो आप जवाब दें तो पुरुष क्रोमोसोम से। ठीक है, पुरुष क्रोमोसोम क्या होते हैं, एक्स और वाई। ठीक है, और महिला में क्या होते हैं, एक्स एक्स। ठीक है, तो लिंग का निर्धारण कहाँ से होता है, तो लिंग का निर्धारण होता है पुरुष से। ठीक है, जब पुरुष का वाई गुणसूत्र मिलता है एक्स गुणसूत्र से तो बच्चे का जन्म होता है। ठीक है, ये आप जानते होंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य का हृदय होता है, तो मनुष्य का हृदय होता है वो चार कोष्ठीय होता है। ठीक है, कितना होता है, चार कोष्ठीय होता है मनुष्य का हृदय। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर में गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है, शरीर में मनुष्य के शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी पाई जाती है, यह आपको जवाब देना है। तो देखते हैं तो इसमें होती है 23। ठीक है, 23 टोटल कितने होते हैं, 46। ठीक है, ओके, तो इसमें टोटल हो जाएंगे 46। 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, तो उसमें हो जाते हैं कि टोटल 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर का सबसे बड़ा अंग है, तो लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है, तो शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, आपको जवाब देना है। देखते हैं सबसे पहले जवाब कौन देता है, तो मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा हो जाएगा, ये देते हैं कौन जवाब देगा, तो ये होती है त्वचा। ठीक है, शरीर का सबसे बड़ा अंग है ये त्वचा। ठीक है, पूरी त्वचा ही तो है शरीर के अंदर। ठीक है, सर, शरीर में सबसे ज़्यादा मोटी खाल किस स्थान पर पाई जाती है, तो ये तलवा। ठीक है, तलवे में आप कुछ गड़ाओ देखो गड़ती ही नहीं, तो इसमें बहुत हार्ड होती है। ठीक है, हार्ड स्किन होती है कहाँ की, तो ये तलवे की होती है। ठीक है, तलवा पैर के नीचे वाला भाग, ठीक है, तलवा बोलते हैं उसे। ठीक है, मनुष्य के शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है, तो 206, ये हम ऊपर देख चुके हैं। ठीक है, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है, तो देखते हैं सबसे पहले जवाब कौन देता है। और इस समय कोरोना भी चल रहा है, तो आप लोग थोड़ा होशियार रखें। 37 सेंटीग्रेड या 98.6 डिग्री फारेनहाइट, 100 पे इस समय कोरोना हो रहा है भैया। ठीक है, 100 पे कोरोना हो जा रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मनुष्य के सौंदर्यता का अध्ययन कहलाता है, मनुष्य में सौंदर्यता का अध्ययन कहलाता है, तो क्या किसके अंतर्गत कहलाता है, तो ये आपको बताना है। ठीक है, मनुष्य के सौंदर्यता का अध्ययन कहलाता है, तो उसके किसके अंतर्गत अध्ययन करते हैं इसका। ठीक है, ओके, उसको कहते हैं कैलोलॉजी। ठीक है, कैलोलॉजी उसे बोलते हैं, इसमें मनुष्य के सुंदरता का अध्ययन किया जाता है। प्रश्न है कितने डिग्री तापमान पर कोरोना वायरस का प्रभाव खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो यह है 30 से 35 डिग्री होते ही। ठीक है, 30 से 35 डिग्री होते ही कोरोना का प्रभाव खत्म हो जाएगा। मनुष्य में कोरोना वायरस किस संक्रमण के कारण होता है, तो यह श्वसन तंत्र संक्रमण है। ठीक है, क्या है, श्वसन तंत्र संक्रमण है, इससे आपके जो श्वास नली है वो रुधित हो जाती है। ठीक है, ये रुध जाती है, मतलब इससे सांस आप नहीं ले पाएंगे, तो आपकी मतलब अचानक ही मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, WHO द्वारा कोरोना वायरस को क्या नाम दिया गया, तो ये COVID-19 दिया गया। क्यों, क्योंकि ये जो कोविड है ये 2019 में आया था। ठीक है, इसलिए इसे COVID-19 दिया गया। ठीक है, फिर क्या है, हृदय का भार। ठीक है, तो हृदय का भार कितना होता है, यह आपको बताना है। तो देखते हैं सबसे पहले जवाब इसका कौन देता है, हृदय का भार कितना होता है, तो यह 300 ग्राम होता है। ठीक है, कितना होता है भैया, तो यह 300 ग्राम होता है। महिलाओं के हृदय का भार कितना होता है, तो महिलाओं में क्या हृदय अलग से होता है, तो कितना होता होगा, ये आप जवाब देते हैं। तो देखते हैं तो ये हो जाएगा 250 ग्राम। ठीक है, कितना होता है, महिलाओं में हृदय का भार 250 ग्राम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा कौन सा, तो आरएस फैक्टर संबंधित है, तो किससे संबंधित है, तो हमने आगे ही दवा दिया है उसको, रक्त से। ठीक है, किससे संबंधित है, रक्त से संबंधित है। आरएच फैक्टर के खोजकर्ता हैं लैंडस्टीनर। ठीक है, लैंडस्टीनर कौन है, लैंडस्टीनर एंड विनर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी है, तो शरीर के अंदर अमीनो अम्ल की संख्या 20 है। ठीक है, शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है, तो शरीर के अंदर कितना मूत्र बनता है प्रतिदिन, तो आप बताएं, तो जितना पानी पिए उतना बनेगा, पर नहीं कुछ होता भी है, आप लोग देखते हैं कौन जवाब हो जाएगा हमारा।
तो शरीर में प्रतिदिन कितना मूत्र बनता है, तो ये 5 लीटर बनता है, ठीक है, मतलब 1.5 लीटर, 1.5, ठीक है, 1.5 लीटर बनता है, सॉरी, ठीक है, 1.5 लीटर बनता है प्रतिदिन, ठीक है, पर आप जितना पानी पिए उतना ही बनता है, ठीक है, ओके, हंसी वाली बातें नहीं इसमें, ठीक है, ओके। तो यह शरीर में प्रतिदिन मूत्र कितना बनता है, तो ये औसतन होता है ना 1.5 लीटर, ठीक है, ओके। मूत्र का दुर्गंध होता है, तो मूत्र में जो दुर्गंध होती है वो किसके कारण होती है, ये आपको बताना है, ठीक है। मूत्र में दुर्गंध किसके कारण होती है, तो ये यूरिया के कारण होती है, ठीक है, किसके कारण होती है, यूरिया के कारण होती है, ओके, ठीक है। ये लीवर में भी इसी कारण होती है, ठीक है। मानव मूत्र अम्लीय, मानव मूत्र का पीएच मान जो कितना होता है, कितना होता है, तो अम्लीय होता है, तो अम्लीय स्वास्थ्य कमी होगा ना, ओके, तो ये 6 होता है, ठीक है, ओके, ये ट्रिक है, अम्लीय 7 से कम और क्षारीय 7 से ज़्यादा, ओके ओके गुड। विटामिन ए संचित रहता है, हमने पहले भी देखा था कहाँ संचित रहता है, विटामिन ए कहाँ संचित रहता है, तो ये यकृत में रहता है, ठीक है, हमने पहला क्वेश्चन कर लिया ही है। दांत और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व है, दांत और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है, तो ये आपको जवाब देना है, तो एक कैल्शियम और फास्फोरस, ठीक है, कैल्शियम और फास्फोरस जो है ये हमारा जरूरी है, ठीक है। फिर है हाइड्रोफोबिया संबंधित है, हाइड्रोफोबिया किससे संबंधित है, तो ये है कुत्ते के काटने से, ठीक है, हाइड्रोफोबिया जो है कुत्ते के काटने से संबंधित है, ठीक है, ये कुत्ते काटने से विषाणु होता है, ठीक है, इसको हाइड्रोफोबिया बोलते हैं, ठीक है। विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत कौन सा है, विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत कौन सा है, तो आप जानते ही होंगे इसमें कौन है सबसे ज़्यादा, ठीक है, तो बताएं आप, तो ये होता है आंवला, ठीक है, जल, और ये जल में घुलनशील भी होता है, ए और सी, ठीक है, विटामिन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, मानव शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं डायलिसिस, ठीक है, क्या कहते हैं, डायलिसिस, ओके। अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, तो आप जवाब दें, देखते हैं सबसे पहले इसमें कौन जवाब देता है, तो ये है ऑस्टियोलॉजी, ठीक है, ऑस्टियोलॉजी जो है इसके अंतर्गत मनुष्य में हड्डियों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। एड्स का कारण क्या है, एड्स का कारण क्या है, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, ठीक है, तो देखते हैं कौन जवाब देता है। एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है, आप सब लोग जानते होंगे, तो एड्स का कारण क्या होता है, वायरस होते हैं, ठीक है, एड्स का कारण क्या होता है, वायरस होते हैं। किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया, किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया, तो ये हैं बैटसन, ठीक है, बैटसन है, इनके द्वारा आनुवंशिकता के अध्ययन को, ठीक है, विज्ञान कहा गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अम्ल की उपस्थिति के बगैर मानव पेट में होती है, किस अम्ल की उपस्थिति मानव पेट में होती है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, HCl, ठीक है, कौन होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहलाता है, इसे HCl बोलते हैं, ठीक है, मतलब हम लोग जल्दी जानते हैं HCl के बारे में, ठीक है, इसका हिंदी नाम बहुत कम ही जानते लोग हैं। दूध में दही के रूप में जमने का क्या कारण है, तो लैक्टोबैसिलस, ये जो जीवाणु होते हैं ये पाए जाते हैं किसमें, दूध के अंदर, ठीक है, दूध के अंदर ये दही को प्रतिवर्तित कर देते हैं, कौन है, लैक्टोबैसिलस, ठीक है। टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है, तो ये आप जानते होंगे, टीबिया मतलब टांग, ठीक है, किसमें, तो ये टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है, ये टांग में पाई जाती है, ठीक है, कहाँ पाई जाती है, टीबिया, ठीक है, टीबिया टांग में पाई जाती है। शरीर में पाए जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम लिखें, शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम लिखें, तो सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, यकृत है, ठीक है, यकृत से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइलिन एंजाइम कौन सी ग्रंथि स्रावित करती है, टाइलिन एंजाइम कौन सी ग्रंथि स्रावित करती है, तो आपको बताना है, तो इसमें हमारा हो जाएगा लार ग्रंथि, ठीक है, लार ग्रंथियां जो होती हैं वो टाइलिन एंजाइम स्रावित करती हैं, टाइलिन तो कहाँ से, मुंह से, मुंह में होता है, टाइलिन एंजाइम बनता है, ठीक है, इसका श्रावण मुंह से होता है। स्वर यंत्र में कितनी उपास्थियां पाई जाती हैं, तो स्वर यंत्र में 9 उपास्थियां पाई जाती हैं, ठीक है, कितनी पाई जाती हैं, 9 पाई जाती हैं। मुख से मल द्वार तक आहार नल की संपूर्ण लंबाई लगभग कितनी होती है, कहाँ से, मुख से मल द्वार तक आहार नल की संपूर्ण लंबाई कितनी होती है, तो आपको जवाब देना है, देखते हैं सबसे पहले जवाब इसका कौन देता है, तो जल्दी करें, तो ये होता है 8 से 10 मीटर, ठीक है, 8 से 10 मीटर होती है, ठीक है। नर व मादा मनुष्य में कौन सा लिंग हार्मोन उत्पन्न होता है, तो नर और मादा मनुष्य में कौन सा लिंग हार्मोन उत्पन्न होता है, तो ये होता है नर में टेस्टोस्टेरोन और मादा में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है, ये हार्मोन स्रावित होते हैं, इनके कारण ही, ठीक है, आप समझते हैं, इनके कारण ही
जो भी है शरीर की बनावट और रंग रूप सभी निर्धारित होते हैं। ठीक है, शरीर के सबसे अधिक जटिल अंग का नाम वजन लिखिए। ठीक है, शरीर के सबसे अधिक जटिल और वजन अंग का नाम लिखिए। तो मस्तिष्क होता है जिसका वजन होता है लगभग 150 ग्राम। ठीक है, मतलब 1500 ग्राम, इसको मैं लिख दिया गया है। 1350 हमने यात्रा पढ़ते हैं, ठीक है, पर 1400 पेपर में 1400 या 1350 ही आएगा। ठीक है, ओके। फिर है, मस्तिष्क के आवरणों के बीच कौन सा द्रव्य भरा रहता है? मस्तिष्क के आवरणों के बीच कौन सा द्रव्य भरा रहता है? तो मस्तिष्क मेरु द्रव्य। ठीक है, मस्तिष्क मेरु द्रव्य जो होता है वो मस्तिष्क के अंदर भरा रहता है। ठीक है, आरबीसी का लाल रंग किस कारण होता है? आरबीसी का लाल रंग किस कारण होता है, ये आपको जवाब देना है। ठीक है, तो उसमें पाए जाने वाले हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन के कारण। ठीक है, ओके, हीमोग्लोबिन प्रोटीन के कारण होता है जिसका पीएच कितना होता है 7.4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रतिरक्षा प्रदान करने वाली प्राथमिक कोशिकाएं कौन सी होती हैं? प्रतिरक्षा प्रदान करने वाली प्राथमिक कोशिकाएं कौन सी होती हैं, ये आपको जवाब देना है। तो देखते हैं सबसे पहले जवाब कौन देता है, तो WBC। कौन है? लिम्फोसाइट कोशिकाएं, इन्हें बोलते हैं हिंदी में, वैसे हैं WBC। ठीक है, क्या होती हैं? व्हाइट ब्लड सेल्स। ओके, क्या होती हैं? व्हाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, लिम्फोसाइट कोशिकाएं। ओके, ठीक है, प्रतिरक्षा प्रदान करने वाली प्राथमिक कोशिकाएं कौन सी होती हैं, तो ये लिम्फोसाइट कोशिकाएं कहलाती हैं, हमने देख लिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रक्त का थक्का जमने में सहायक कोशिकाएं कौन सी होती हैं? रक्त का थक्का जमने में सहायक कोशिकाएं कौन सी होती हैं, आपको जवाब देना है। तो ये है बिंबारू या थ्रम्बोसाइट। ठीक है, बिंबारू या थ्रम्बोसाइट, ये जो कोशिकाएं होती हैं रक्त का थक्का जमने में सहायक होती हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व में कुल कितनी प्रतिशत आबादी, ठीक है, RH+VE। ठीक है, तो ये है 80%। ठीक है, 80% है। ठीक है, विश्व में कुल आबादी कितने प्रतिशत आबादी, तो RH पॉजिटिव है, तो ये है 80%। ठीक है, RH पॉजिटिव 80% जो है आबादी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रक का भार होता है, जो ब्रक है उसका कितना भार होता है, तो किडनी का तो 150 ग्राम। ठीक है, इसको हमने कई बार पढ़ लिया, क्वेश्चन हमारा ज़्यादा रिपीट हो गया। ये रक्त एक बिलियन है, तो रक्त एक बिलियन है, कैसा बिलियन है? क्षारीय बिलियन है। ठीक है, 7.4। ठीक है, कितना था पीएच, तो 7.4 था इसका पीएच। ओके, 7 से ऊपर जितना होता जो भी होगा वो क्षारीय कहलाएगा। ठीक है, सबसे बड़ी लार ग्रंथि है, तो सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है, ये आप बताएंगे या मैं बताऊं, तो आप ही बताइए। ठीक है, सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है, तो आपको बताना है, तो ये है पैरोडिटिट ग्रंथि। ठीक है, पैरोडिटिट ग्रंथि जो है सबसे बड़ी ग्रंथि है। सबसे छोटी WBC, सबसे छोटी WBC का नाम बताएं, तो देखते हैं सबसे पहले जवाब कौन देता है। तो सबसे छोटी जो WBC है वो लिम्फोसाइड है, 2.4 mm की। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सबसे बड़ी WBC, तो ये मोनोसाइट। ठीक है, क्या है? मोनोसाइट है। ओके, सबसे बड़ी सिरा, तो सबसे बड़ी सिरा कौन सी है, ये आपको जवाब देना है। सबसे बड़ी सिरा कौन सी हो जाएगी? इन्फीरियर। ठीक है, इन्फीरियर जो है सबसे बड़ी सिरा है, इन्फीरियर जो है ये सबसे बड़ी सिरा होती है। ठीक है, इन्फीरियर सबसे बड़ी सिरा कहलाती है। ठीक है, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी सिरा कौन सी हो जाएगी, तो ये इन्फीरियर ही होती है। ठीक है, चेचक का टीका या चेचक के टीके की खोज किसने की थी, ये आपको जवाब देना है। तो चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर, ठीक है, एडवर्ड जेनर के द्वारा की गई थी। नवजात बच्चे के शरीर में बोन कितनी होती है, तो 18+। ठीक है, या ये कितनी होती है, तो 206 हड्डियाँ कितनी पाई जाती हैं, और बच्चे में कितनी पाई, 306 या 300 के ऊपर ही होती हैं। ठीक है, तो 300 हड्डियाँ पाई जाती हैं। ओके, फिर क्या है, एलिजा प्रणाली या एलिजा टेस्ट संबंधित है, तो एलिजा टेस्ट जो है किससे संबंधित है, तो ये एड्स से संबंधित है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशेंसी सिंड्रोम। फुल फॉर्म क्या है इसकी, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशेंसी सिंड्रोम। ठीक है, तो ये एड्स हो जाएगा हमारा सही। ठीक है, क्या हमने बताया, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशेंसी सिंड्रोम इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, आप लोग हमेशा याद रखना, ये ज़्यादातर कहाँ पूछते हैं, तो ये ज़्यादातर पूछते हैं पेपर में, मतलब इंटर और इंटर हाई स्कूल के अंदर। ठीक है, इंसुलिन की खोज किसने की थी, तो वेंटिंग और वेस्ट। ठीक है, इंसुलिन की खोज किसने की थी, वेंटिंग और वेस्ट ने। ठीक है, आँख का कौन सा भाग दान दिया जाता है, तो आँख में ऐसा कौन सा भाग होता है जिसे हम दान देते हैं, तो इसमें आँख में भाग होता है हमारा कौन सा,
तो इसे जो काला काला भाग होता है इसे ही दान दिया जाता है, तो इसे बोलते हैं कार्निया। ठीक है, आँख का कौन सा भाग दान दिया जाता है, तो इसे बोलते हैं कार्निया। ठीक है, जो हमारा काला काला भाग होता है इसे कार्निया बोलते हैं। रक्त में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो रक्त के अंदर कौन सा तत्व पाया जाता है, यहाँ आपको जवाब देना है। तो देखते हैं सबसे पहले कौन जवाब देगा, तो लौह तत्व पाया जाता है रक्त के अंदर, Fe। ठीक है, लोहा, लोहा पाया जाता है। टाइफाइड से कौन सा अंग डैमेज हो जाता है, टाइफाइड जब होता है तो कौन सा अंग डैमेज हो जाता है, तो इसमें आंत प्रभावित होती हैं। ठीक है, आंत प्रभावित हो जाती हैं इसके अंदर, आंत ज्वारी से बोलते हैं आंत ज्वारा। ठीक है, इसमें 15 दिन दवाई चलती है। ठीक है, 15 दिन से पहले इसमें आप ठीक हो ही नहीं सकते। ओके, जैसे हो भी सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, जैसे आप बन ही पाया तो जल्दी आप पहुँच जाएंगे, जल्दी ठीक हो जाएंगे। मनुष्य में पसलियों की संख्या कितनी होती है, हमने दो बार पढ़ रहे हैं इसको, तो 12 जोड़ी मतलब 24। ठीक है, टोटल 24 संख्या इनकी होती है, कितनी होती है, टोटल संख्या 24 होती है, 12 जोड़ी होते हैं। ठीक है, मूत्र पीला रंग किसकी वजह से होता है, हमने देख लिया पहले भी था, यूरोक्रोम के कारण होता है। ठीक है, इसका पीएच कितना हो जाएगा, तो इसका पीएच 6 हो जाएगा, कितना, ये कौन सा है, अम्लीय होता है। ठीक है, ओके, क्या होता है, अम्लीय होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अरे वो मूत्र होता है ना, मूत्र, ये मूत्र का मतलब है 1.5 लीटर। ठीक है, प्रतिदिन कितना निकलता है, तो 1.5 लीटर प्रतिदिन निकलता है। कौन सी विटामिन का रक्त, किस विटामिन के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता। ठीक है, इसमें वहाँ पर ये गलत लिख गया था, तो आप लोग थोड़ा देखें, तो ये है विटामिन के। ठीक है, विटामिन के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता है। आनुवंशिकी के पितामह किसे कहते हैं, आनुवंशिकी के पितामह किसे कहा जाता है, तो आप बताएं, तो ये अनुवांशिकी के पिता कहलाते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल अनुवांशिकी के पिता कहलाते हैं। फिर है नेफ्रॉन किसकी इकाई है, तो नेफ्रॉन है किडनी की इकाई। ठीक है, किडनी की इकाई कौन सी है, तो किडनी की इकाई है नेफ्रॉन। ओके, यूरान किसकी इकाई है, तो यूरान किसकी इकाई है, आपको जवाब देना है। तो यूरान हमारा जवाब कौन सा हो जाएगा, तो यूरान किसकी इकाई है, यूरान हो जाएगी तंत्रिका तंत्र। ठीक है, यूरान है इकाई किसकी, तंत्रिका तंत्र की इकाई है। मनुष्य के शरीर की ध्वनि लब डब किससे संबंधित है, मनुष्य के शरीर की ध्वनि लब डब किससे संबंधित है, तो ये हृदय से संबंधित है। ठीक है, किससे है, हृदय से संबंधित है। ओके, मनुष्य के शरीर की जो ध्वनि है लब डब है, ये किससे संबंधित है, तो ये हो जाएगी हृदय। हृदय का वजन 300 ग्राम मनुष्य में होता है। ठीक है, ECG, तो ये ECG क्या है, तो ये किससे संबंधित है, तो ECG ये है, ये संबंधित है हृदय से। ठीक है, किससे संबंधित है, ECG किससे संबंधित है, तो ये हृदय से संबंधित है। ठीक है, EEG किससे संबंधित है, तो ये है मस्तिष्क से। ठीक है किससे संबंधित है, मस्तिष्क से संबंधित है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। खाना का पाचन कहाँ से प्रारंभ हो जाता है सबसे पहले, तो ये मुंह से संबंधित होता है, भाई हमने पहले ही पढ़ चुका हूँ ये, तो ये कहाँ से संबंधित है, मुंह से होता है। ठीक है, मनुष्य के फेफड़े किस आकार के होते हैं, तो मनुष्य के फेफड़े किस आकार के होते हैं, आपको जवाब देना है। तो मनुष्य के फेफड़े शंक्वाकार आकार के होते हैं, किसके आकार के होते हैं, शंक्वाकार आकार के होते हैं मनुष्य के फेफड़े। ठीक है, किस आकार के होते हैं, तो ये शंक्वाकार आकार के होते हैं मनुष्य के फेफड़े। ठीक है, तो हमने आज यहाँ पे कितने क्वेश्चन पढ़ लिए, 101 क्वेश्चन पढ़ लिए। ठीक है, कितने पढ़े हैं, 101 क्वेश्चन पढ़े हैं। तो आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक शेयर नहीं किया है, तो आप लोग हमारे इस वीडियो को शेयर करें, और अभी तक हमारे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और अपने दोस्तों को भी हमारे ये सुझाव दें कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को भी सुझाव दें कि वो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को भी सुझाव दें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद। आप लोग को यह दिन शुभ हो।